हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू कमल फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम लोग एक ले आए हैं जे मेंस में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से लिया गया है। ये क्वेश्चन जे मेन 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो है डबल कर दिया जाए तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगा या काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगा। हमें यही बात दिखाना है, शो करना है इस क्वेश्चन से। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को अगर हम लोग पढ़ें तो क्वेश्चन में यही लिखा गया है कि इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन द मेटल सरफेस इज डबल, यानी कि किसी भी इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है जो मेटल सरफेस में पड़ रहा है, अगर वो फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए यानी पहले से जितना पड़ रहा है उसका दुगुना कर दिया जाए फ्रीक्वेंसी, तो क्या काइनेटिक एनर्जी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? क्या काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगा या वही रहेगा? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पता है कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट से लिया गया है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। तो मॉडर्न फिजिक्स में जब हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं तो उसी में इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग किए होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये मान लेते हैं कि जब लाइट का फ्रीक्वेंसी कितना हो, इसको ले लेते हैं न्यू। या दूसरा हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जब लाइट का फ्रीक्वेंसी एफ हो तो ऐसे केस में एनर्जी कितना होता है, ई वन। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, ई वन, इलेक्ट्रॉन का ई वन काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। दूसरा केस हम लोग लेते हैं कि अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी टू एफ हो यानी कि फ्रीक्वेंसी अब दोगुना हो जाता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है ई टू काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर होता है। लेकिन एक बात हम लोग भूल रहे हैं कि कोई भी मेटल सरफेस जो होता है, मेटल सरफेस का खुद का क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है, वर्क फंक्शन ऐसा है यानी कि वो मिनिमम एनर्जी है जो किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये मेटल सरफेस में वर्क फंक्शन है। तो हम लोग मान लेते हैं ये मेटल सरफेस का वर्क फंक्शन डब्ल्यू है, कुछ देर के लिए ले लिए, चूँकि मेटल सरफेस है तो क्या इसका वर्क फंक्शन कितना होगा, डब्लू होगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, व्हेन व्हेन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट एट एफ, यानी कि जब कोई इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी एफ हो तो क्या होगा। व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज एफ देन, तब क्या होगा, जो हम लोगों का इक्वेशन है एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इनिशियली इजकल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ई वन। फर्स्ट केस में तो काइनेटिक एनर्जी ई वन है। केस नंबर टू, दूसरा केस में शुरू शुरू में क्या था कि कोई भी मेटल सरफेस पे एफ फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट लाइट पड़ रहा था। अब हमने क्या किया, उसी लाइट का फ्रीक्वेंसी अब दोगुना कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। व्हेन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट लाइट लाइट इज 2f, यानी कि जो यानी कि लाइट का फ्रीक्वेंसी f था, अब हमने क्या किया उसी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाकर 2f कर दिया, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी को f से बढ़ाकर कितना कर दिया, 2f कर दिया। और जैसे ही फ्रीक्वेंसी 2f कर दिया, हम लोग ये मान लिए कि अब काइनेटिक एनर्जी e2 हो गया होगा। अब e2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वही तो हमें निकालना है, 2f। तो क्या होगा, अब h, आपको पता है h क्या, हमारा प्लस कांस्टेंट है, इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अब कितना होगा, टू टाइम्स ऑफ f, फ्रीक्वेंसी अब दुगुना हो गया है, इसकल टू, ध्यान रहे w यानी वर्क फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन जो है किसी भी मेटल का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि एक जैसा मेटल के लिए सेम वर्क फंक्शन होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम गोल्ड ले लिए हैं तो गोल्ड के पूरे सरफेस के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा, अगर सिल्वर ले लिए हैं तो सिल्वर के पूरे सरफेस के लिए वर्क फंक्शन सेम होगा। चूँकि यहाँ मेटल तो वही है इसीलिए वर्क फंक्शन नहीं बदलेगा, वर्क फंक्शन हमारा वही रहेगा।
लेकिन चूंकि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज किया था, हम लोग ये मान के चलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी E2 हो गया होगा। यही E2 का वैल्यू हमें निकालना है। अब हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, अब हम लोग इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। नौ वी डिवाइड टू टू वन, यानी कि इक्वेशन दो को इक्वेशन वन से डिवाइड करने पर, यानी कि इक्वेशन टू को हम इक्वेशन टू को डिवाइड करेंगे इक्वेशन वन से। ध्यान रहे जब भी हमारा इक्वेशन होता है तो इक्वेशन को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ये मैथ्स का रूल है। मैथ्स ये कहता है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन हो तो इक्वेशन को डिवाइड करने का सीधा सा रूल ये है कि लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड से डिवाइड करें, यानी कि इक्वेशन टू का लेफ्ट साइड एच इंटू टू एफ है, लिख दिए। इक्वेशन फर्स्ट वाले का लेफ्ट साइड एच इंटू एफ है, एच इंटू एफ लिख दिए, इजकल टू। अब इसका राइट साइड वाले को राइट साइड से डिवाइड कर दें, यानी कि डब्लू प्लस ई टू, इक्वेशन फर्स्ट का राइट साइड क्या है, डब्लू प्लस ई वन। जब हम लोग डिवाइड करेंगे एस से एच कट जाएगा, एफ से एफ कट जाएगा, तो हमारा जो इधर बचने वाला है वो बचेगा टू इजकल टू डब्लू प्लस ई टू अपॉन नीचे में बचेगा डब्लू प्लस ई वन। ये हमारा इक्वेशन बच गया। अब ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है ये इधर से यहाँ टू के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये सीधा टू से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो जाएगा टू इंटू डब्लू प्लस ई, डब्लू प्लस ई वन इजकल टू डब्लू प्लस ई टू। तो टू इंटू डब्लू तो हो जाएगा टू डब्लू प्लस टू इंटू ई वन तो टू ई वन इजकल टू डब्लू प्लस ई टू। ध्यान दीजिए तो ये टू जो है क्रॉस में इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट से हटाएंगे हम लोग तो ये टू से डब्लू को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये टू से ई वन को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो टू इंटू डब्लू तो टू डब्लू प्लस टू इंटू ई वन तो टू ई वन। अब ये डब्लू इधर प्लस में, वो वाला डब्लू को इधर माइनस कर दीजिए, टू डब्लू माइनस डब्लू प्लस टू ई वन इजकल टू ई टू। तो यहाँ से हम लोगों का हो जाएगा डब्लू प्लस टू ई वन इजकल टू ई टू। अगर आप ये इक्वेशन को देखें, इनको अगर हम सही से लिख दें अरेंज करके, तो ई टू इजकल टू टू ई वन प्लस डब्लू, यानी कि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी को टू टाइम्स बढ़ा दें तो काइनेटिक एनर्जी टू टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी मोर देन टू टाइम्स हो जाएगा, यानी कि टू टाइम्स से भी ज़्यादा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं रिमार्क्स में, अगर हम लोग रिमार्क्स लिखें, रिमार्क्स तो लिखेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस मोर देन टू टाइम्स, मोर देन टू टाइम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी दोगुना से भी ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने क्या कर दिया, जो हमारा इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी टू टाइम्स कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है मोर देन डबल हो जाएगा, यानी कि डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये था ये पूरा क्वेश्चंस में। ये ध्यान रहे कि ये जो हमारा क्वेश्चंस है एच ओ टी एस है, एच ओ टी एस का पार्ट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको बहुत बातों का ध्यान रखना होता है, आप डायरेक्ट इनको सॉल्व नहीं कर सकते। और एच ओ टी एस का फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग, क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग।